अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। वेलकम एक बार फिर एमक्यू कुकिंग में। तो आज हम बना रहे बहुत ही ज़बरदस्त गजरेला कस्टर्ड। अच्छा जी, कस्टर्ड गजरेला बहुत इजी सिंपल रेसिपी, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। कस्टर्ड गजरेला बनाने के लिए हम कस्टर्ड को सबसे पहले दूध में घोल लेंगे। 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर कस्टर्ड ऐड करा है, 1.5 टेबल स्पून, और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1/4 कप जो है दूध ले लिया था। उसके अंदर जो है हम इसको अच्छे से घोल लेंगे। देन हमने यहाँ पर जो है इसके साथ जो है चावल भिगा दिए थे। चावल जो है आपके पास अगर टूटा है वो भिगा दें, नहीं तो आप साबुत चावल को भी पीस कर भिगा सकते हैं। उसके बाद जो है हमने गाजर ली थी और उसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे चीनी और इलायची पाउडर। यहाँ जो है हमने 1 लीटर दूध लिया है, दूध को हमने अच्छे से बॉईल कर लेना है। उसके बाद बॉईल करने के बाद दूध हमने क्या करना है, भीगे हुए चावल वो हम इसमें ऐड कर देंगे, सारे ही हम ऐड करेंगे। और फ्लेम जो है हम स्लो कर लेंगे और उसी स्लो फ्लेम में हमने इसको पकाना है। उसके बाद जो है यहाँ पर हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी जो है तकरीबन मैंने 1 पाव के बराबर ली थी, यानी कि 1 कप भर के ली थी, तो वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से इन दोनों चीज़ों को पकने देंगे। साथ ही हम इसमें क्रश की हुई गाजर हम ऐड करेंगे। अब उसके बाद इसको भी हम थोड़ा बॉयल होने देंगे अच्छे से। साथ में जो है हम इसमें इलायची ऐड करेंगे। जो है आपने कोई भी मेवे ज़्यादा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं नारियल ऐड करूँगी, पिसा हुआ नारियल ऐड करूँगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट इन्हेंस होगा। बाकी जो है लास्ट में ऐड करेंगे। उसके बाद जो हमने क्या करना है, जो हमने मेल्ट किया था अपना कस्टर्ड पाउडर मिल्क में, वो हम इसमें अब ऐड कर देंगे। यहाँ पर ये देखिए गाढ़ा होने लग गया हमारा गजरेला भी, ये इसमें हम ऐड करेंगे, तो इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा, थिकनेस आएगी और खाने में भी बहुत कुछ डिफरेंट लगेगा। तो बस जैसे ही ये गाढ़ा होगा तो फाइनली हमारा जो है कस्टर्ड गजरेला बिल्कुल रेडी हो जाएगा। मज़ेदार सा कस्टर्ड गजरेला जो है हमारा बिल्कुल रेडी है। आप लोग भी बनाएं और खाएं और मुझे बताएं कैसा बना। अब देखें ज़्यादा दो में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। वीडियो पसंद है साथ में इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।